said to be one of the strongest wildcard entries of this season of Bigg Boss. So, सबसे पहले ऋषभ, आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए. इतना मतलब आपको प्यार मिला है. जी, मैं सबसे पहले मैं इंटरपोल टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. मलय सर का, शीतल जी का, आनंद जी का, जिन्होंने मुझ पर इतना ट्रस्ट दिखाया. एंड दे नेवर अंडर एस्टिमेटेड मी एट ऑल. सो आई ओ देम माई सक्सेस. और अगर आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की वजह से. एंड थैंक यू. और सलमान सर, उन्होंने मुझे इतना गाइड किया. लाइक ही वॉज माई एंजल, ही वॉज माई गाइडिंग लाइट. सो या आई एम रियली ऑनर्ड. ये सीजन में पहली बार हुआ है कि इतना मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री है और इधर तक पहुंचा है एंड इतना सारा अप्रिसिएशन एंड प्यार मिला ऑडियंस से दैट दे वांटेड यू टू विन. जी जी, मुझे खुशी है कि मैं पीपल्स चैंपियन बना हूँ. ट्रॉफी चैंपियन नहीं बना, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं पीपल्स चैंपियन बना हूँ लाइक रॉकी बैलबोआ स्टाइल, मैं बहुत खुश हूँ. आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ी, दैट्स द बिगेस्ट ट्रॉफी. अगर जर्नी के बारे में बात करें तो कोई फॉन्ड मेमोरीज, यू नो, इतना जिससे सबसे ज़्यादा बॉन्ड किया है कुछ? फॉन्ड मेमोरीज बहुत हैं वासना जी. सच बताऊँ, जिस वक्त मैंने घर के अंदर कदम रखा था, वहाँ से मेमोरीज बननी शुरू हो गई थी. और दोस्त बहुत बनाए, दुश्मनी भी शराफत से की, दोस्ती भी शराफत से की. और एक और चीज़, आप घर में एंट्री किए उसके पहले जो एनर्जी थी, उतनी ही एनर्जी आज भी हमें दिख रही है. तो मतलब एनर्जेटिक ऋषभ अभी तक है. जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमेशा बरकरार रहेगा. और ये आप लोगों का प्यार है कि आप लोग हमेशा मेरे पास आते हैं. और आप लोग सारे मेरे दोस्त हैं. आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है और यहाँ से मुझे एनर्जी मिलती है. आपकी वाइब इतनी अच्छी है. एंड एक और चीज़ जो हमने नोटिस की है, आपकी और प्रिया की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है. एंड हमने सुना भी है, मुझे प्रिया के साथ सिर्फ देखा है, कीत के साथ भी देखी है, रोशेल के साथ भी देखी है, युविका के साथ भी देखी है, जिजेल के साथ भी देखी है, प्रिंसी के साथ भी देखी है, मंदना के साथ भी देखी है, और युविका के साथ भी देखी है. राइट, मतलब आपने ट्राई किया कि सारी मतलब जो फीमेल है उसे थोड़ा सा आप क्लोज बन जाए ऐसा कुछ? नहीं, कभी भी देखिए, फोर्स लव इज नेवर लव. राइट, जो भी ऑर्गेनिक होता है वो अच्छा है. बट मैं इस शो में प्यार ढूंढने नहीं आया था, दोस्त ज़रूर ढूंढने आया था. एंड देयर इज एन ओल्ड सेइंग जो मैंने पहले भी कहा है, सक्सेस इज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप एंड आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स. मतलब एकदम ऑपोजिट टू व्हाट मंदनाज प्रिंसिपल वर, मैं यहाँ पर दोस्त या फैमिली बनाने नहीं आ रही हूँ. देखिए वो उनका पर्सपेक्टिव है एंड आई टोटली रिस्पेक्ट. पाँचों उंगलियाँ एक समान नहीं होती हैं. सो एंड आई रिस्पेक्ट हर व्यूज अबाउट इट, बट मेरी सोच अलग है. मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान को कि आप लोगों ने जो मेरे लिए किया है, धन्य है. थैंक यू सो मच. आपकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ. सो थैंक यू हिंदुस्तान मुझे प्यार देने के लिए. लव एंड रिस्पेक्ट. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. विद कैमरामैन बाबाजी उपासना पटेल, इंडिया फोरम्स, मुंबई. Hi, this is Rimi Sen and you are watching me on India Forums, and please subscribe to WhatsApp TV.